कितने बचे? कैसे साथ हैं? एक दो बार बार रिपीट करवाना है। एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार पांच छह सात, पूरा ऐसे। कितने बचे अब हमारे पास? अब देखो, इन्होंने मेरे से ये भी ले लिया, ये जो आइसक्रीम स्टिक थी इन्होंने मेरे से ले लिया। मेरे पास कितने बचे? क्या कुछ नहीं बचा? कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु? स्टिक। तो मेरे पास जो कुछ भी नहीं बचा, जो मेरे हाथ में वस्तु था वो सारा चला गया। इसके रिप्रेजेंटेशन को फिर बताओगे कि इसे हम क्या कहते हैं? शून्य। और उस शून्य को कैसे हम लिखते हैं? ये देखो, ऐसे लिखते हैं शून्य, ऐसे जाना है, ठीक है? इस तरह से हमें बच्चों के साथ काम करने की जरूरत है। चलिए, मैं जितना नंबर बोलूंगी उतनी तालियां आप लोग बजाएंगे, ठीक है? पांच, कोई भी चुटकी नहीं, नौ चुटकियां, ताली बजाइए सब। क्या करवाया हमने? आप इसको महसूस करवाइए कि आप क्या कर रहे हो। जब मैंने बोला कुछ भी नहीं मतलब क्या, कुछ भी नहीं तो आपको वो बताना है। कुछ भी नहीं मतलब ताली कुछ भी नहीं, चुटकी कुछ भी नहीं, ये एक समझाने की जरूरत है। और धीरे धीरे बच्चों को समझ में आ जाएगा अमूर्त रूप से, जब आप बोलोगे ऐसे ही 1 2 3 0, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि जीरो क्या कहा जाता है। आपको इस प्रक्रिया से जाना है।